टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो कायम है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया, कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। हर देशवासी के मन में, हर लोकतंत्र प्रेमी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा और उठना चाहिए कि आखिर देश राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में क्यों फंस गया। ये सिलसिला जैसा मैंने कहा बंद होना चाहिए। हम आशा करते थे कि चुनाव के बाद दो टूक फैसला होगा। ये ठीक है कि अगर आज जनादेश किसी के पक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों के पक्ष में। टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण लेक। I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests.
नवाज साहब मुझसे मिले थे, मैंने उनसे कहा कि जब तक पाकिस्तान कारगिल की भूमि को पूरी तरह से खाली करके नहीं जाता, किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है। I am glad that President Musharraf extended his hand of friendship to me. I have shaken his hand in your presence. Now President Musharraf must follow this gesture by not permitting any activity in Pakistan or any territory in its control today, which enables terrorists to perpetrate mindless violence in India.